व्यूअर्स, 2 टेबलस्पून में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिटकी माछेर पातुरी। ये बंगालियों का एक बहुत ही फेमस डिश है। तो आइए चलिए दिखाते हैं कैसे ये बनता है। तो मैंने सबसे पहले ये भिटकी माछ ले लिया है, भिटकी फिश। देखिए इसको अब मैं मैरिनेट करूँगी। थोड़ा सा सॉल्ट और ये आधा नींबू का रस डाल के, देखिए ऐसे बिल्कुल इस तरीके से मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी ताकि ये जो फिश है ये इसमें जो थोड़ा भी स्मेल हो वो चला जाएगा। नींबू, आप नींबू की जगह विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। क्या चाहिए? ये मसाला पीसूंगी। तो इसमें मैंने लिया है पॉपी सीड्स, ये है ब्लैक मस्टर्ड सीड्स और ये है वाइट मस्टर्ड सीड्स। अगर आपको ये वाइट मस्टर्ड सीड्स ना मिले तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी एक छोटा अनियन और कुछ सूखी लाल मिर्च। इसको मैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से पीस लूँगी। आप चाहे तो इसको अलग अलग भी पीस सकते हैं पर मैं इसको एक साथ ही पीस। यहाँ पे ले लिया है कुछ हरी मिर्चें और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट स्किप कर सकते हैं पर मुझे इसका फ्रेग्रेंस अच्छा लगता है इसीलिए मैं ये डाल रही हूँ। व्यूअर्स देखिए ये जो है पेस्ट ये पूरा बन चुका है। अब चलिए, हम इसको ऐसे ही रखा था, अब हम इसमें डालेंगे ये जो मसाला का पेस्ट है ये हम पूरा डाल देंगे इसमें। एक छोटा चम्मच और इसको इसमें अब मैं डालूँगी सरसों का तेल। देखिए दोस्तों ये सरसों का तेल में इसका जो फ्रेग्रेंस है ये बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है। मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, बिल्कुल इस तरीके से इसको मिक्स करना है। देखिए आप इसमें नमक अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए। अगर पहले मैंने इसमें नमक डाल दिया था इसीलिए मैं चेक करके थोड़ा सा और नमक डालूंगी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप, इसमें मैरिनेट हो चुका है, इसको मैं इसी तरीके से करीब 20 मिनट तक रख दूंगी। और इसमें जो है मस्टर्ड ऑयल जो कि वो है इसका मेन इंग्रेडिएंट और इसमें मस्टर्ड ऑयल डालना मस्ट है। जो फिश है वो मैरिनेट हो चुका है। अभी ये जो केला पत्ता है ये केला पत्ता को देखिए मैंने बीच से काट लिया है और काट के इसको मैंने गर्म पानी में थोड़ा भिगो दिया है ताकि ये जो पत्ता है बांधते टाइम ये टूटे ना। तो इस प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है कि केला पत्ता को अच्छे से गर्म पानी में थोड़ा सोक कर लेना है, ठीक। और देखिए ये जो फिश है ये मैरिनेट हो चुका है। मैंने इसको 20 मिनट तक मैरिनेट किया है। आप इसको फ्रिज में भी रख के छोड़ सकते हैं। अभी आइए दिखाते हैं इसको केले के पत्ते में कैसे फोल्ड करते हैं। देखिए ऐसे केले के पत्ता को एक पंगी इस तरीके से, देखिए फिश और थोड़ा ग्रेवी इसमें डाल देंगे बिल्कुल इसी तरीके से और ऊपर से एक हरी मिर्च और अब इसको फोल्ड करेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से फोल्ड करना है। आपको ध्यान रखना है कि ये चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड हो वरना ये खुल सकता है। तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से मोड़ के और एक इसी तरीके से फोल्ड कर दीजिए और एक धागे की मदद से इसको बांध लीजिए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। वो गर्म पानी में भिगोया था इसीलिए ये बांधते समय टूट नहीं रहा है पत्ता।
इस तरीके से मैं अपने सारे जो फिश हैं इसको बना लूँगी। तो व्यूअर्स देखिए, ये जो सारा फिश है ऐसे बिल्कुल इसी तरीके से मैंने सारा केला का पत्ता में बांध दिया है। अब बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, अब मैं इसको फ्राई कर, देखिए मैंने इस तरीके का एक ग्रिल पैन ले लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल कढ़ाई में भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको ऑयल ब्रश से, ऑयल ब्रश जो फिश है इसमें डाल दूंगी। तो ये है फिश, देखिए, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके मैं ऑयल ब्रश कर दूंगी। और अब मैं इसको ढक दूंगी। देखिए, देख सकते हैं मैंने इस पैन को ढक दिया है। अगर आपके पास ऐसा पैन ना हो तो आप नॉर्मल कढ़ाई में भी, नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं और उसको ऊपर से ढक सकते हैं। तो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, इसको मैं डीप फ्राई नहीं कर सकती। कोई कोई इसको डीप फ्राई भी करते हैं और इसको स्टीम भी किया जा सकता है, पर मैं इसको शैलो फ्राई धीमी आँच पर पकाऊँगी। व्यूअर्स देखिए, ये एक तरफ से बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। अब मैं इसको पलट दूंगी। दूसरे तरफ से इसको अच्छे से पलटना है। इसको फिर से मैं ढक दूंगी। व्यूअर्स देखिए, ये जो फिश है ये पक चुका है। अब मैं इसको उठा लूँगी और बाकी जो फिश है उसको भी मैं ऐसे ही शैलो फ्राई कर लूँगी। तो अभी 5 से 7 मिनट हो चुका है और ये अंदर से पूरा अच्छे से कुक हो चुका है। तो व्यूअर्स देखिए, ये जो सारे फिश हैं ये बिल्कुल बन के रेडी है। देखिए कैसे ये जो केले के पत्ते, व्यूअर्स देखिए गर्मा गर्म फिश पातुरी बन के रेडी है। अब इसको सर्व कीजिए चावल के साथ, गरम गरम राइस के साथ इसको सर्व कीजिए। सॉफ्ट बना है तो देखिए, मैं थोड़ा सा कट करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छी तरीके से ये खुल जा रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से ये पक चुका है। आप सब भी ऐसे घर पे बनाइए और आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी ज़रूर बताइए। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।